दूसरा सवाल, खाना सामने रखकर नियाज क्यों करते हैं? अरे भाई कोई लड़ाई की बात नहीं है, तुम्हें अगर खाना सामने नहीं रखना पसंद तो यार साइड पे रख लो, साइड पे भी तकलीफ दे रहा है, पीछे रख लो यार, ये लड़ने की बात नहीं है, लड़ने की बात नहीं। आओ हदीस सुना दो। अल्लाह मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थोड़ा सा खाना लाया गया, कितना? थोड़ा सा, दो आदमियों का, तीन आदमियों का खाना, फरमाया मिलके खाया करो, एक का दो खा लेते हैं, दो का चार खा लेते हैं, मिलके खाने में बरकत होती है, मगर हम तो होता नहीं, नहीं अकेले समाज। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक दस्तरखान पे नहीं बैठते थे जब तक कोई आ नहीं जाता, दूसरों के लुक्मे नहीं छीनो, दूसरों को खिलाया करो। दीजे जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना आया, सहाबा बहुत बड़ी तादाद में मौजूद, खाना थोड़ा सा आया, हदीस के अल्फाज नबी ने खाने पर हाथ रख कर जो चाहा कलाम पढ़ा, जो चाहा कलाम पढ़ा। मैं गलत बयानी करूं, जिस चौक में चाहो खड़ा करके मुझे सजा दे, कच्ची बात नहीं कर रहा, हदीस मौजूद, मेरे वाले साहब की किताब सवाबुल इबादात पढ़ लेना, सारे हवाले उसमें मैंने नकल कर दिया, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। नबी पाक ने हाथ रखकर उस पर जो चाहा कलाम पढ़ा, नबी ने खाना सामने रखकर कलाम पढ़ा, फिर फरमाया दस दस आदमी आते जाओ, दो आदमियों का खाना नबी ने 300 को खिला दिया। अरे मेरे दोस्तों और बुजुर्गो, खाना नबी ने सामने रखा और सामने रखकर कलाम पढ़ा, अब किसी और दलील की जरूरत रहेगी? नहीं। अच्छा आप लोग भी खाना खाते हो के खाना सामने रख के बिस्मिल्लाह पढ़ते हो या नहीं? पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह कुरान की आयत है या नहीं? एक मुस्तकिल आयत है कुरान की, तो शुबा है? नहीं। पढ़ते हैं सारे, तो अगर मैंने दो आयतें ज्यादा पढ़ ली तो कोई गलत हो गया? हम किताबों में पढ़ते हैं हजरत सैयदा फातिमा जहरा सारे जहां के सैयदों की माँ जब चक्की चलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, किताबों में वो आटा बरकत वाला शहजादों ने खाया फिर नेजे की नोक पर कुरान पढ़ा या नहीं पढ़ा? तुम कहते हो खाने पे कुरान नहीं पढ़ना तो तुम कौमी तराना पढ़ लिया। फकुलू मिम्मा ज़ुकिर इस्मुल्लाह, कुरान कहता है अल्लाह के नाम, तो अल्लाह का नाम कुरान की अगर आयते सूरह फातिहा उसमें पढ़ ली, कुल हुवल्लाह पढ़ ली तो क्या खाना आराम हो गया? ऊंची तो जो ये कहते हैं खाना सामने रखकर क्यों पढ़ते हो, सामने रखकर क्यों नियाज देते हो, ये लाजिम नहीं है, असल चीज नीयत है। अब खाना सामने ना भी रखे, आपकी नीयत के मैंने जो भी खाना है उसका सवाब किया तो वो तब भी होता है, लेकिन सामने रखकर पढ़ने का सबूत मिल गया, अब इसको कोई गलत कह सकता? ऊंची हमारे किसी आलिम ने कहा नहीं सामने रखकर लाजमी पढ़ना है? कहा किसी ने? नहीं, नहीं। लेकिन रख लेगा तो बरकत होगी ना? नहीं नहीं, साइंस ने मसला हल कर दिया, गैर मुस्लिम डॉक्टरों ने कहा हम तजर्बा करेंगे, उन्होंने दो गिलास पानी के रखे, एक पानी पर उसने किसी से कहा कलाम पढ़ो, दूसरे को नहीं बगैर पढ़े रखा गया, उन्होंने देख लिया जिस पे कलाम पढ़ा गया था उसमें कोई जरासीम नहीं थे, आजमा के देख लिया, इनकी खोपड़ी में आया नहीं, क्योंकि ऊपर वाला खाना खाली, अपर चैम्बर इज एम्प्टी, इसमें कुछ है नहीं, होता तो ऐसी बात नहीं करता, मुश्किल में मानना नहीं है, अड़ी नहीं मानेंगे। वो एक बच्चा था ना माँ के पास आ गया, अम्मा कब्बा सफेद होता है? माँ ने कहा बेटा नहीं, अम्मा मैंने शर्त लगा ली है, माँ ने कहा तू हार जाएगा, मेरा क्यों हारूंगा? उसने कहा जब कब्बा सफेद नहीं होता तू हार जाएगा, उसने कहा मैं नहीं हारूंगा, माँ ने कहा जब
अब्बा सफेद नहीं होता तू हार जाएगा। उसने कहा अम्मा नहीं हारूंगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं मानूंगा ही। जब मैं मानूंगा नहीं तो मैं इन्होंने मानना है। और अजीब बात है, शबरात का हलवा हो, ग्यारहवीं का जर्दा हो, कुछ हो, आराम आराम भी कहते हैं और खा भी कहते इनको दुगना गुना, एक आराम कहने का दूसरा आराम कह के खाने का। इनके इनके नसीब में कौवा है, हमारे नसीब में कौवा खाते हैं वो काय काय करते हैं, हलवा खाते हैं नबी की नाल बढ़ते हैं।